हेलो एवरीवन मेरा नाम डॉक्टर आरती है आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में एक लाख से भी ज़्यादा लोगों के मौत का कारण होती है ये बीमारी वैसे तो आम है पर इसके कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा हो सकते हैं हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में डायबिटीज़ जो हम इसके बारे में अक्सर सुनते हैं ये भारत में सबसे ज़्यादा होने वाले बीमारियों से एक है अभी भारत में सतहत्तर लाख से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं पच्चीस लाख से भी ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक है यानी जिन्हें अभी आने वाले फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का खतरा हो सकता है इसीलिए इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्या है इसमें क्या क्या तकलीफें हो सकती है और हम ऐसे कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे ये बीमारी से बचा जा सकता है आइए जानते हैं डायबिटीज एक्चुअल में होता क्या है जो भी खाना हम खाते हैं हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है ये ऊर्जा ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी में रखी जाती है जब भी ग्लूकोज लेवल यानी शुगर लेवल ब्लड में बढ़ता है तो पैंक्रिया से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन तैयार होता है यह हार्मोन ग्लूकोज का लेवल कम करने में मदद करता है लेकिन किसी कारणवश अगर ये इंसुलिन नाम का हार्मोन ठीक से काम नहीं करता तो ग्लूकोज की जो मात्रा है यानी शुगर की जो लेवल है वो हमेशा हायर साइड पर रहती है और इसे हम डायबिटीज़ कहते हैं डायबिटीज़ के कुछ प्रकार भी होते हैं सबसे पहले हम जानते हैं टाइप वन डायबिटीज़ के बारे में एक ऑटोह्यूमन कंडीशन होता है जिसमें इंसुलिन शरीर में बन ही नहीं पाता आ, उसके कारण मरीजों को इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए दूसरा आता है टाइप टू डायबिटीज़ ये नाइन्टी ऑफ डायबिटिक पीपल में दिखा जाता है इसमें बॉडी शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए इंसुलिन ठीक तरह से यूज नहीं कर पाती जिसके वजह से शुगर लेवल हमेशा हायर साइड पर रहती है तीसरा है जस्टेशनल डायबिटीज़ ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखा जाता है इसका ज़्यादातर असर बच्चे के ग्रोथ पे होता है और डिलीवरी के बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाता है डायबिटीज़ के कुछ कॉमन लक्षण भी होते हैं जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना बार बार यूरिनेशन के लिए जाना सुस्ती कमज़ोरी लगना अचानक से वजन घटना चिड़चिड़ापट बढ़ जाना काम में मन नहीं लगना उदासी या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उस पर फोकस नहीं कर पाते हो कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा कम हो जाता है इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन्स बार बार होने लगते हैं या अगर कुछ चोट लगती है तो वो भरने में घाव भरने में थोड़ा समय लगता है इन अगर लक्षणों का अगर आप देखते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल डॉक्टर यूजली चेक करने के लिए बोलते हैं लाइफ डिसऑर्डर होने के कारण डायबिटीज़ का मेन कारण तो लाइफ खराब होना ही है फैमिली हिस्ट्री मोटापा अगर सडनरी लाइफ हो या ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन होने से भी डायबिटीज़ हो सकता है कुछ अन्य बीमारी जैसे हाइपर टेंशन इनके वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है अब बात करते हैं डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस कुछ बार अक्यूट हो सकते हैं यानी हाइपर हाइपोग्लाइसेमिया या डायबिटिक किटियाडोसिस डायबिटीज़ के वजह से क्योंकि ब्लड शुगर हमेशा हायर साइड पर रहता है तो ये ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकती है जिसके वजह से किडनी पे अफेक्ट हो सकता है इसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं अगर ये आंखों पे तकलीफ तैयार करता है तो इसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं या अगर नर्व्स को असर करे तो हम इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं इनके अलावा बार बार इन्फेक्शंस होना इसके वजह से डायबिटिक फुट जैसी बड़ी बीमारियाँ भी हो सकती है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक काफ़ी मददगार साबित होती है जब हम हो, होम्योपैथिक दवाई शुरू करते हैं तो फिजिकल कंप्लेन के साथ साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी ध्यान में रखते हैं हमने ऐसा देखा है फाइनेंशियल स्ट्रेस फाइनेंशियल वरीज फाइनेंशियल लॉस या फिर जॉब इनसिक्योरिटी इनके वजह से यूजुअली डायबिटीज ट्रिगर होता है इसलिए जब भी होम्योपैथिक दवाई शुरू की जाती है तो इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं और इन सब को जानकारी डिटेल में लेने के बाद ही दवाई दी जाती है होम्योपैथिक दवाई जब शुरू करते हैं तो उसका मकसद सिर्फ शुगर लेवल कंट्रोल करना नहीं होता इसके अलावा भी जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो ठीक से हो इंसुलिन का कार्य जो है वो सुधारे इसके अलावा जो ओवरऑल हेल्थ है वो डेवलप हो इसके ये सब चीज़ों का ध्यान रख के भी होम्योपैथिक दवाई दी जाती है डायबिटीज़ के लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के कारण जैसे जितना अच्छा आप लाइफस्टाइल रखोगे उतने डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे सबसे पहले आता है वेट वेट मेंटेन रखना बीएमआई को कंट्रोल रखना ये चीज़ें आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रखने में तो मदद करती है इसके अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती है दूसरी बात आती है डाट डाइट जो होता है डायबिटीज़ के पेशेंट को जैसे बताया ही जाता है कि शुगर कम रखना है फाइबर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए इसके अलावा एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है एक्सरसाइज जो भी आपका मन करे जॉगिंग हो वॉकिंग हो कम से कम 15 से 20 मिनट कम रोज़ का रोज होना ही चाहिए इनके अलावा अल्कोहल स्मोकिंग को कम करें जो तान तनाव है यानी जो स्ट्रेस है जो भी कारण के वजह से हो उसको कम करने की कोशिश करें इसके लिए आप योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हो अगर इन कुछ बातों का ध्यान रखा जाए रेगुलर अगर डायबिटीज़ की दवाई ली जाए होम्योपैथिक दवाई ली जाए तो डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इनके कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं